मनुष्य के जीवन में शिक्षक और डॉक्टर के अहम भूमिका होती। डॉक्टर जहां जान बचावे के काम करत है, तो शिक्षक जीवन का उचित मार्गदर्शन देते हैं, छात्र के मनुष्य के भविष्य के सवारे के काम करत है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसा हुआ जी अपने पद का कलंकित करे के कोनो कोर कसर नहीं छोड़ा। ऐसे मामला समूह आवा जहाँ एक शिक्षक के पिटाई से छात्र के मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में 10 घंटा तक बवाल चला। आक्रोशित लोग पुलिस प्रशासन के गाड़ी फूंक दिन, पुलिस के ऊपर पथराव कीनगा। मौके में IG और ADG का पहुंचे परा हालात का काबू करे खातिर, जेके बाद लोग शांत भे और शव के अंतिम संस्कार करे। का आए पूरी खबर ये हम अपना का बताए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चाल महा पूजा अपना पंचे समझने का प्रणाम कहे थे शुरू कहे थे। यह बड़ी खबर से अपना बता दी कि यह जो शिक्षक के पिटाई से दलित छात्र के मौत की घटना समूह आई है, सोमवार का जम के घटना में उपद्रव भा। ये घटना के बाद या उत्तर प्रदेश के औरैया से यह घटना समूह आई है, जहां गांव में बच्चा के सब पहुंचे के बाद जो नाराज ग्रामीण रहे, पुलिस के गाड़ी फूंक दें, पथराव करें, हालात इतने बेकाबू हो गए रहे कि आधी रात IG और ADG का मौके में जाए पड़ा। जेके बाद सीनियर अधिकारी पीड़ित परिवार से बात करी और परिवार अंतिम संस्कार खातिर राजी भा। मंगलवार सवेरे शव के अंतिम संस्कार के तैयारी भगलाए शुरू कर दी गई। अपना बता दी कि पुलिस के द्वारा उपद्रव में शामिल लोगों के धर पकड़ के सूचना के बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार करे से मना कर दिन। हालात फिर से बिगड़ गए। 4.5 घंटा के मान मनावल के बाद परिजन अंतिम संस्कार खातिर राजी भे हमा। SP चारू निगम के मुताबिक उपद्रव के मामले में ही 35 नामजद लोगों के ऊपर तो करीब 200 से 250 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा घलाए दर्ज कीन गए। अपने बता दी कि नामजद आरोपी जो रहे वो मृतक के पिता राजू दोहरे के नाम घलाए शामिल कीन गए, जबकि अज्ञात में परिवार के नाम डारा गया है। पुलिस एहतियातन तौर में औरैया के अलछद्दा कस्बे के बाजार का बंद कर दीन है। पुलिस बाकायदा अनाउंस करके दुकानन का बंद करवाई है। इलाका में कर्फ्यू के राय हालात हो गए। हमारा कई एक जगह पुलिस बैरिकेटिंग हलाई करके रखे हैं। वहीं मृतक से पिता के बातचीत से करे के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी DM प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव आश्वासन दीन, जेके बाद मुआवजे में 8 लाख रुपया मां 6 लाख रुपया के मुआवजा तुरंत खाते में डलवावे के आश्वासन दीन। साथ ही गांव के आवास और पट्टा के संस्तुति करावे के आश्वासन दीनी। DM कहीं के परिवार के सदस्य का सरकारी नौकरी खातिर सरकार से निवेदन खलाई करी। शस्त्र लाइसेंस के मांग में मृतक जो पिता रहे मना कर दीन, हालांकि यह उनकर मांग नहीं रही। मृतक पिता के कहा है कि वो उपद्रव नहीं चाहत रहे, वह गांव के कुछ असामाजिक तत्व ऐसा रहे जो उपद्रव करें। पथराव करे के बाद उपद्रवी जो रहे पुलिस के जीप और चीता बाइक का घलाए आगे के हवाले कर दिन। वह उपद्रवी पुलिस फोर्स में पथराव करके 500 मीटर तक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी का दौड़ाइन। DM और SP समेत कई अफसरन के गाड़ी में तोड़फोड़ करी। आगजनी के बाद भारी पुलिस बल मौके में पहुंचा। बतावा जात है कि शिक्षक क्लास में बच्चन के टेस्ट लेते रहे, जोने में दलित छात्र OMR सीट में एक खाने की जगह 2 खाना ब्लैक कह दे रहे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान की जगह सामाजिक लिख दिए रहे, सामाजिक विज्ञान की जगह सामाजिक शब्द लिखे दे रहे, जैसे टीचर नाराज हो गए। डंडा लात और घूसा से छात्र का इतना पीटेंस के बेहोश हो गया। इलाज के दौरान अपना बता दें कि इस समय छात्र के 18 दिन इलाज चला, जिसके बाद आखिरकार छात्र के मौत हो गई। ये घटना के जानकारी लगता है सोमवार का स्कूल बंद कई दिन का रहा, जबकि आरोपी टीचर जो बताया जाता है फरार है। पुलिस टीचर की धरपकड़ खातिर खोजबीन कर रही है। वहीं टीचर के ऊपर मुकदमा घलाए दर्ज के लिए गया है। पोस्टमार्टम के बाद शाम का सब परिजन का सौंप दिन गया, तो वहीं परिजन शव एम्बुलेंस के माध्यम से लेके सीधे स्कूल पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिन। वो कई जानकारी लगता है दूसर कई भीम आर्मी के सदस्य घलाए गांव पहुंच गए, वो हंगामा करत रहे। हमारे पूरी घटना समूह आई है उपद्रव के, जहां छात्र के दलित छात्र के मौत के बाद ये पूरा हंगामा भा। अभियुक्तन के खिलाफ हत्या के मामला दर्ज किया गया है, जबकि पीड़ित परिवार के 50 लाख के मुआवजा दे के बात कही गई है। अपना बता दी कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति का सरकारी नौकरी घलाए दे के आश्वासन दिन गया है। वह फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा के सुनवाई करे के मांग करी वे जो परिजन रहे, जिसके बाद यह हंगामा शांत भा और शव के अंतिम संस्कार भा। अपने बता दी कि शिक्षक के जीवन में बहुत महत्व होता है। माता पिता
अभिभावक अपने बच्चन के बेहतर भविष्य खातिर उज्ज्वल भविष्य के कामना के लिए विद्यालय में अपने बच्चन का शिक्षकन के हाथन में सौंप दे था। उनका उम्मीद रहा थी कि शिक्षक उनके छात्र के भविष्य का सवर ही उनका बेहतर ज्ञान दे ही पै ये जो शिक्षक रहें छोटी मोटी गलती में बच्चा के साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट करें कि मौके में बेहोश होएगा और आखिरकार 18 दिन तक अस्पताल में लड़ाई लड़े के बाद जीवन के जंग रहा हारेगा। तो बड़ी खबर रही उत्तर प्रदेश से, दुखद खबर रही। शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हो चाहिए जो उनके अपने पद का कलंकित करे के काम करें। दे इजाज़त, सतर्क रही, सजग रही, रखी अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।